बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं साख नापर साहब से कुछ बातचीत करते हैं। साख साहब, आप कितने अर्से से डीसीएफ के साथ हैं, बहसियत एरिया में? मैंने 2009 में डीसीएफ को ज्वाइन किया, बहसियत एरिया में, सक्कर एंड अपर सिंध एरिया में। सक्कर का एरिया कैसा है, मुश्किल है, आसान है? थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं। उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो मेरे एरिया में आ रहे थे उनमें कनकोट, कश्मोर और जेकबबाद, ये कुछ ट्राइंगुलर बॉर्डर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी सरहदें जो है सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के साथ मिलती हैं, और इसके साथ ही डेरा मुराद जमाली की भी एक डिस्ट्रिक्ट मेरे पास थी, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल कह सकते हैं। क्या मुश्किल आपने फेस की और ऊपर कैसे काबू पाया? पीसीएफ के इस प्रोग्राम से पहले एक दूसरे प्रोग्रामों में एक फिल्म दिखाई गई थी जिसमें एक डाकू का जिक्र किया गया था कि उसने हमारी किस तरह स्कूल बनाने में मदद की थी। गांव का नाम है राजी देव, तहसील गंगट, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरज। वहां पर हमें स्कूल बनाना था और वहां पर ये इलाका कच्चे का इलाका कहलाता है क्योंकि ये रिवर इंडस के किनारे पे है। वहां पर कोई भी लोकल कॉन्ट्रेक्टर बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार नहीं था। हमने बड़ी कोशिश की, इवन हम गंबट के कॉन्ट्रेक्टर के पास भी गए, लेकिन वो भी तैयार नहीं था कि वहाँ से तो मेरी ये टीम उठा के ले जाएंगे। ये 2010 की बात है, 2010 की। तो उसके बाद जो है स्कूल बनाना बहुत मुश्किल था, तो हमें एक कहने के डाकुओं की नानी मिल गई, उसे हमने मोटिवेट किया, उसे समझाया कि भाई यहाँ पर स्कूल बनाना है, आपके इलाके की बेहतरी होगी, आप हमारी मदद करें और आपके बच्चे पढ़ेंगे, इसी तरह शायद हो सकता है कि इस इलाके में तब्दीली आए और आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल बेहतर हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह राजी हो गया इस तरह। और उसके बाद हमने कराची में कोशिश की कि एक ऐसा कॉन्ट्रेक्टर हमने ढूंढा जिसको उस इलाके का बिल्कुल पता ही नहीं था, और उसको हम वहाँ पर लेकर गए और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल बन गया। इस वक्त वहाँ पर न सिर्फ एक प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल भी बन गया। 700 से ज़्यादा इस वक्त वहाँ पर बच्चे कामयाबी के साथ शामिल हैं। ये तो आपको मुश्किल आई एक नया स्कूल बनाने में, कि जो स्कूल इस वक्त कायम हो चुके हैं रोज़मर्रा उनको चलाने में कोई दुश्वारी पेश आती है? जी सर, काफ़ी दुश्वारियां पेश आती हैं। इनमें से एक बताना चाहूँगा, कनकोट कश्मोर में हमने तीन मुख्तलिफ गाँव में, सिटी में नहीं, शहर से बाहर तीन मुख्तलिफ ट्राइब्स कह सकते हैं, वहाँ पर तीन स्कूल बनाए, गोलो, बाजकानी और सुरहानी। एक दिन मुझे अचानक प्रिंसिपल की कॉल आई कि सर आप जल्दी स्कूल आ जाए। मैं भागा, थोड़ा गाड़ी निकाली और जल्दी स्कूल पहुँचा। मैंने देखा कि क्योंकि हमारा स्टाफ फीमेल होता है टोटल, तो फीमेल और प्रिंसिपल वो बहुत ही डरे हुए और खौफजदा थे। प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि सर जो हमारा चौकीदार है उसका कत्ल हो गया है, और उसके बाद उसने बताया कि उसे किसी ने कुल्हाड़ियों के साथ बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है और उसकी लाश जो है वो बिल्डिंग के पीछे पड़ी है। मैं वहाँ पर गया तो उसके कुछ खानदान के लोग और वहाँ के नोटेबल पर्सन, तीनों कबीलों के वो खड़े थे। थोड़ी देर में पुलिस आई और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, जासूसी कुत्ते मंगवाए गए। ये तफ्तीश जैसे ही शुरू चलती गई और मेरा स्टाफ ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही खौफजदा और डर गए। थोड़ी देर के बाद मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि सर हम कल से स्कूल नहीं आएंगे, ये इलाका सिक्योर नहीं है, हम सिक्योर नहीं है, हम नहीं आएंगे यहाँ पर पढ़ाने। मैंने प्रिंसिपल को कहा कि आप चले जाएँ अपने घर, स्टाफ को ले जाएँ, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। तो वो तफ्तीश चलती रही, फाइनली उसका रिजल्ट ये आया कि उनकी अपनी कोई पर्सनल एनिमिटी थी, कोई ट्राइबल इशू था ज़मीन के ऊपर जिसकी वजह से वो चौकीदार का कत्ल हुआ था। कुछ देर के बाद मैं प्रिंसिपल के पास गया, वहाँ पर उसके घर सारा स्टाफ, फीमेल स्टाफ मौजूद था। उनको मैंने समझाया, देखें भाई हमारा ये इदारा कोई कमर्शियल नहीं है, हम यहाँ पर कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो उन गरीब बच्चों को तालीम देने आए हैं जिनका ये हक है, और इस इलाके में आपको पता है पहले से ये निगलेक्टेड है और यहाँ पर कोई मयारी तालीम नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है कि प्लीज़ चलें और आप अपना हक अदा करें और इन बच्चों को पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मोटिवेट हो गए, मेरी बात को समझा और वो दूसरे दिन ही स्कूल आ गए और इस तरह स्कूल चल रहा। आपने खासी मुश्किलात का जिक्र किया, आपके काम में कहीं कोई तफरी का पहलू भी है? तफरी
तफरी कुछ इस तरह कह सकते हैं, कुछ एक वाकया बताता हूँ। एक स्कूल अपने गांव का नाम है पिपरी, तहसील गंबर, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। ये पूरा का पूरा गांव जो है प्रोफेशनल बेगर्स का है, जोगी ये कहलाते हैं। वो सपेरे होते हैं, सात आठ लेटे, सुबह सुबह ये बड़े डिसिप्लिन के साथ उठते हैं और अपनी बच्चों को और औरतों को लेके मुख्तलिफ रूट्स की बसों को पकड़ते हैं और भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं और वापस आते हैं शाम को। वहाँ पर हमने स्कूल बनाया है, ये 2012 में स्कूल बनाया है। जो जब पहला दिन था दाखिला का, तो उस दिन सिर्फ उन लोगों ने अपने लड़कों को एडमिशन के लिए बुलाया, एक भी हमें लड़की नहीं दी उन्होंने दाखिला के लिए। हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हमारे इदारे का हमें टारगेट मिला हुआ होता है कि 50% लड़कियों की दाखिला करनी है, 50% लड़कों की। तो हम परेशान हो गए, काफ़ी हमने उनको समझाया, बड़ा मोटिवेट किया कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, जितना अल्लाह ताला ने हक तालीम का मर्द को दिया है उतना ही औरत का है, तो आप अपने बच्चियों को अपनी लड़कियों को ज़रूर दें। लेकिन उनको बात समझ में नहीं आई। फिर हमने उनके बड़ों को, जो उस गांव के बड़े थे जोगियों के, उनको बुलाया कि सिर्फ हमारी एक बात सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी। मैंने उनको कहा है कि देखें, जब ये 10-12 साल के बाद ये आपके लड़के पढ़े लिखे हो जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, अच्छी इनको जॉब्स नौकरियां मिलेंगी, ये कभी भी आपके अनपढ़ लड़कियों से शादी नहीं करेंगे, कभी भी शादी नहीं करेंगे, तो ये आप सोच लें। इसहाक साहब से पहले आप लोगों से सवाल है, आपका क्या ख्याल है कि जब इसहाक साहब ने ये बात की तो उस इलाके के लोगों का क्या रद्द अमल था? क्या उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा है या नहीं भेजा? बिल्कुल उन्होंने बच्चों को भेजा, और आज माशाल्लाह उस इलाके में, उस स्कूल में 600 बच्चे और बच्चियाँ जेर तालीम हैं, जिसमें से कि 300 बच्चे जो 50% का हदफ है वो हमने दूर कर दिया। ये जो आपने अभी कहानियाँ सुनी, ये चंद एक स्कूलों की कहानियाँ नहीं है। हमारे बेशतर स्कूल दूर अफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाके में वाकई हैं, और हमारे जैसे जो साथी यहाँ बैठे हैं, इस तरह के कई साथी और हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो अपने इस बार अज़म और हिम्मत और मेहनत की वजह से मुश्किल को दूर करते रहते हैं, और इन्हीं लोगों के अज़म और मेहनत की वजह से इंशाल्लाह ये इदारा एक तहरीक में बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।